आप कहीं भी जा सकते हो, मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, मुंह फाड़ के कहता हूँ मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, बट मैं अपने देश के खिलाफ तो नहीं ना जा सकता। आप कहीं भी जा सकते हो, मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, मुंह फाड़ के कहता हूँ मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, बट मैं अपने देश के खिलाफ तो नहीं ना जा सकता। हाँ, बीजेपी की ये बी टीम, मैं इसलिए कहता हूँ इसको क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली प्रमोट बीजेपी को कर रही है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि आम आदमी पार्टी, आप खुद असेसमेंट लगाइए, कल को ये इलेक्शन लड़ेगी, ये किसका वोट बैंक तोड़ेगी, लेकिन जो बाकी पार्टियों का वोट शेयर है उसमें सेंध लगाने का जो काम है वो आम आदमी पार्टी करेगी। और रविंद्र रैना जी बाहर निकलते हैं, चिंता नहीं करनी। भाई चिंता क्यों करनी है आपको? चिंता तो उनको करनी है जिनके बच्चों को खाने को रोटी नहीं मिलेगी। सरकारी पैसा, सरकारी सिक्योरिटी, जहाँ पे जाओ सब कुछ सरकारी, आपको तो चिंता नहीं करनी है, लेकिन उनको तो चिंता करनी है ना। और सबसे बड़ी बात, एलजी साहब और इनके बीच में कोई तालमेल ही नहीं है। ये कांग्रेस की अंतरकला की वजह से वहाँ पे आम आदमी पार्टी जीती है। फ्री बिजली पानी की बात करें, मेरी बात सुनिए, दिल्ली से कोई उठ के आएगा हमें कहेगा फ्री बिजली फ्री पानी, किस तरीके से कहेगा? बहुत बढ़िया, जो लोग वहाँ पे बैठे हैं मैं उनको कहता हूँ वहीं पे बैठे रहिए, क्योंकि बीजेपी, अब एलजी साहब को नहीं पता, ट्वीट कर देते हैं, एलजी साहब को कुछ पता नहीं होता, पार्टी का झंडा डंडा गलत नहीं होता, ये सिर्फ बीजेपी बता देती है कि कांग्रेस गलत होगी, एनसी गलत होगी, लेकिन कोई गलत नहीं होता अगर जनता को काम लेना आता हो। हम लोग इनके बहकावे में 2014 में आए, 2014 के बाद आज 8 साल हो चुके हैं। जम्मू वाले कहाँ पे हैं? सिर्फ धरनों पे हैं। एनएचएम वाले कहाँ पे? धरनों पे हैं। मैं बात बताता हूँ ना आपको, कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी, कांग्रेस को ये नहीं पता था राज ऐसे किया जाता है। अब कांग्रेस रात को धरती चूमती है परमात्मा की, एक बार हमें मौका मिल जाए जम्मू को अलग स्टेट दी जाए, इस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, जो कहते हैं जम्मू को अलग स्टेट दी जाए, मेरे ख्याल से वो डोगरा ही नहीं है। हम गाने गाते हैं महाराजा हरि सिंह के, जनरल जोरावर सिंह जी के, गिलगित बल्तिस्तान तक हमने फतेह की, गुलाब सिंह जी, तो हमने इतनी बड़ी स्टेट बनाई। आज डोगरा डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि कश्मीर हमसे कंट्रोल में नहीं होगा, कि ये बातें ना करे जो नेता ये बातें करते हैं कि स्टेट हमें अलग बना। मैं चाहता हूँ ले लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर, इन सबको मिला के जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी उसको वापस स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। नारे लगे खालिस्तान के, मेरा दिल चढ़ गया। माता काली माता के मंदिर पे जो अटैक हुआ, हिमाचल पे नारे लगे, मैं नहीं चाहता मेरे जम्मू कश्मीर में भी वो हिसाब हो। सो दैट्स वाई मैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। बाकी दूसरी पार्टी है वो मेरे पास ऑप्शन है, वो मैं कभी भी करूँगा, सबको बता के करूँगा, छुपा के नहीं करूँगा। और सबसे बड़ी बात है, मुझे MLA बनने के लिए किसी पार्टी में नहीं जाना है। जम्मू कश्मीर की राजनीति इस समय गरमाई हुई है, काफ़ी मुद्दे हैं जो इस समय हॉटस्पॉट बने हुए हैं। जनता की जुबान पर दो पार्टियां इस समय मुख्य चर्चा पे, भारतीय जनता पार्टी महंगाई के लिए चर्चा में है, आम आदमी पार्टी महंगाई से छुटकारा पाने के लिए चर्चा में है। दोनों पार्टियों में एक पार्टी में टोपी डालकर ज्वाइनिंग करवाई जा रही है, दूसरी पार्टी में पटका डालकर ज्वाइनिंग जो है वो करवाई जा रही है, और ज्वाइनिंग दोनों पार्टी में ताबड़तोड़ जो है वो चल रही है। इसी बीच आम जनता क्या चाहती है, अब की बार किसकी सरकार, और जब चुनाव होंगे जनता किसके हक में जो है वो वोट डालेगी, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमने सोचा कि जनता के बीच में से ही किसी ऐसे शख्स को उठाया जाए, किसी ऐसे शख्स को बुलाया जाए जिनसे बातचीत की जाए, जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, यानी कि सोशल एक्टिविस्ट है। सतवीर सिंह मनाज जी अक्सर आप इन्हें सोशल मीडिया पर एक्टिव देखते हैं, और सरकार की बात करें जो गलत होता है उन्हें आड़े हाथों में लेते हैं। आज तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे सतवीर सिंह मनाज और जनता जो है वो सरकार को, या फिर जो इस समय पार्टियों में ज्वाइनिंग चल रही है, इन्हें किस तरीके से ले रही है। सतवीर जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि पार्टियाँ दो चर्चाओं में हैं, जिस तरीके से मैंने कहा, बाकी पार्टियों का तो नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। आम आदमी पार्टी टोपी डालकर ज्वाइनिंग करवा रही है, और धड़ल्ले से टोपियाँ डलवाई जा रही हैं। बड़े बड़े नेतागण जो हैं, जो कभी जम्मू की बात करते थे, आज उस पार्टी का दामन थाम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जम्मू के लिए अगर कोई बेहतर विकल्प है तो वो आम आदमी पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ जो कभी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, कभी मिनिस्टर्स रहे हैं, वो ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो लोगों के लिए है, सबका साथ सबका विकास जो है वो करने वाली सरकार है। इस बीच जनता जो है वो पिस रही है महंगाई से, क्या लगता है जनता किसके साथ देगी, आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? देखिए जनता को अब साथ देना है, ये जनता को खुद सोचना है किसका साथ देना है। बट आपको मैं आम आदमी पार्टी के बारे में इतना बताना चाहता हूँ कि अभी एक शगुफा है, बुलबुला है जो अभी उठा हुआ है, थोड़ी देर के बाद ये शगुफा और बुलबुला ही आपको नहीं दिखेगा। अभी आप देख लीजिए ना आम आदमी पार्टी का क्या रोल बना हुआ। अभी आम आदमी पार्टी पहले कितना सिस्टम उसका चलता था, रैलियाँ निकल रही हैं, तो रैलियों से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये वोट है। मेले में बड़े लोग इकट्ठे होते हैं, तमाशा देखने के लिए लोग बहुत इकट्ठे होते हैं, हर मामले में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वो उसका मतलब ये नहीं ये आपको वोट मिलेगा। हाँ, बीजेपी की ये बी टीम, मैं इसलिए कहता हूँ इसको क्योंकि कहीं ना कहीं ये
इनडायरेक्टली प्रमोट बीजेपी को कर रही है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि आम आदमी पार्टी, आप खुद असेसमेंट लगाइए, कल को ये इलेक्शन लड़ेगी, ये किसका वोट बैंक तोड़ेगी, आप खुद हिसाब लगाइए। क्योंकि बीजेपी जो उसकी पॉलिटिक्स है हिंदुइज्म पर डिपेंड करती है, जब हिंदुइज्म पर पॉलिटिक्स डिपेंड करेगी तो मैक्सिमम जो वोट शेयर होगा वो हिंदुइज्म का जो वोट शेयर होगा वो तो बीजेपी का वन साइडेड होगा, लेकिन जो बाकी पार्टियों का वोट शेयर है उसमें सेंध लगाने का जो काम है वो आम आदमी पार्टी करेगी। पर मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी बीजेपी में ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। अब जहांगीरपुरी का किस्सा लगा लीजिए दिल्ली का, वहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, अगर पुलिस थी सेंटर की, केंद्र की पुलिस थी, तो ये PWD किसके हाथ में था, ये बुलडोज़र किसके हाथ में था। इसलिए ये पार्टी जो है ना, ये ना हिंदुओं की ना मुस्लिमों की है, बस यही है कि उनको ये लग गया है कि इस बार जो 92 सीटें इन्होंने पंजाब में निकाली है ना, वहाँ से ही एक मतलब कि इनको लगा कि हर बंदे को ये लगा कि MLA बनने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। और सबसे मेन रीज़न पता क्या है, वो 92 सीटों का असर नहीं हुआ, एक लड़का था वहाँ पे कोई, वो शायद मेरे ख्याल से मोबाइल रिपेयर करता है, वो इलेक्शन जीत गया। तो उसको तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ लड़के को कि वो इलेक्शन जीत गया, वो सोशल वर्कर भी था, लेकिन सबको ये लगा कि अगर मोबाइल वाला जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है आम आदमी पार्टी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब के अंदर इनडायरेक्टली जो रूल है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मैं इसमें ये नहीं कह सकता भी इनडायरेक्टली रूल कर रही है, बट भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर स्कोप था नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर इतना कैडर था नहीं, अकाली दल के साथ उसका जो कलेशन था वो टूट चुका था। जब आपको पता है कि मुझे मौका नहीं मिलेगा, ये मेरा दुश्मन है, इसको मौका मिल जाएगा, क्यों ना इसको हटा के मैं तीसरे को मौका दे दूं, ताकि ये होगा कि ये भी हार जाएगा। और सबसे बड़ी अंतरकला थी कांग्रेस की आपस की, ये कांग्रेस की अंतरकला की वजह से वहाँ पे आम आदमी पार्टी जीती है। और कहीं ना कहीं उसका अब एक चीज़ जरूर हो गई है कि जब आम आदमी पार्टी जीती है तो उसके बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार के नारे लगे, क्या हुआ आपने देखा होगा। और हमारी स्टेट देख लीजिए, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ वोट आप दीजिए अच्छे बंदे को, लेकिन हमारी स्टेट के हालात आपको पता है, आगे हम पे इतना दबा लगा मिलिटेंसी का, अब दूसरा दबा भी लगेगा। अभी हिमाचल में क्या हुआ आप देख रहे हो, आप कहीं भी जा सकते हो, मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, मुँह फाड़ के कहता हूँ मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, बट मैं अपने देश के खिलाफ तो नहीं ना जा सकता, मेरे देश के खिलाफ होगा वो तो मैं कर नहीं सकता। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ सोच समझ के वोट डालिए, आपके पास पार्टी यहाँ पे हैं, ये मत भूलिए कि कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, NCP है, PDP भी है, आपके पास पार्टियां हैं। लेकिन ये नई जो पार्टियां आ रही हैं ना, ये सिर्फ वोट बैंक ख़राब करने के लिए आ रही हैं। आपने ये देखा होगा बीजेपी की सरकार थी यूपी में, आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें निकाली, गोवा में इन्होंने सरकार बनाई नहीं बनाई, उत्तराखंड में इनको क्या मिला कुछ नहीं मिला, मणिपुर में इनको क्या मिला कुछ नहीं मिला, जब इनको चार स्टेटों में यहाँ पे बीजेपी थी वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला, यहाँ पे इनको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी तो बीजेपी है। और बीजेपी समझ चुकी है कि कल तो ये खतरा थी कांग्रेस के लिए पंजाब में, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा खतरा बीजेपी के लिए है, और बीजेपी इसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इतनी आसानी से यहाँ पे चलने नहीं देगी, और ना ही ये चल पाएगी। ये सिर्फ एक चीज़ है कि सबको लग रहा है इस वक्त कि नई नई पार्टी है, अभी तो मेरे ख्याल से बीजेपी ने एक्शन लेना शुरू भी नहीं किया है इन पर। बिजली फ्री पानी की बात कर रहे हैं ना, फ्री बिजली पानी की बात करें, मेरी बात सुनिए, दिल्ली से कोई उठ के आएगा हमें कहेगा फ्री बिजली फ्री पानी, किस तरीके से कहेगा, किस मुँह से कहेगा। बिजली यहाँ पे कितने डैम हैं, कम से कम 15-20 डैम होंगे यहाँ पे, पानी किसका है, हमारा है, बिजली यहाँ से बनती है, परसेंटेज हमको यहाँ पे मिलती है, सब कुछ हमारा है। लेकिन दिल्ली से उठ के कोई आएगा वो हमको कहेगा हम जम्मू कश्मीर वालों को बिजली पानी फ्री देंगे, क्यों देंगे, जो सरकार में आएगा हम उसको जवाब दे बनाएंगे, हम उससे सब्सिडी लेंगे ना, फ्री क्यों लेंगे, सब्सिडी लेंगे। आज तक ऐसा हुआ नहीं, आज तक ऐसा हुआ नहीं। अब मेरी बात सुनिए, आप दुकान पर जाते हो कहीं पर, बाय टू गेट वन फ्री, जब ऑफर चल रहा तो आप सबसे पहले किसको हाथ डालते हो, बाय टू गेट वन फ्री, क्योंकि एक फ्री मिलेगी ना, फ्री के लालच में सभी आ जाते हैं। कभी आप सब्सिडी कहोगे तो वो लोगों में मुद्दा इस तरीके से अच्छे से जाएगा नहीं। तो फ्री फ्री की ये जो सियासत हो रही है, मेरे ख्याल से ये कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, फ्री की जगह सब्सिडी कर देनी चाहिए, क्योंकि फ्री फ्री के नाम पर कितना फ्री दोगे भाई, हमारे यहाँ पर तो ऑलरेडी सब कुछ है, हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए, हमें सब्सिडी चाहिए, लेकिन लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हो। और आने वाले वक्त में बता दूंगा, मैंने एक ट्वीट भी किया था उसमें बता देता हूं मैं, ये आम आदमी पार्टी और ये अपनी पार्टी, ये बी टीम है बीजेपी की, ये जम्मू कश्मीर वाले समझ जाए, ये सिर्फ एक क्रिएट कर रहे हैं ऐसा मसला कि जो पार्टियां आ सकती हैं सत्ता में उनका वोट बैंक ख़राब हो जाए, जिससे बीजेपी को फ़ायदा मिले। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है,
जम्मू मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन इस समय चर्चाओं में है जम्मू प्रदर्शनों का शहर। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कोई दफ्तर ऐसा नहीं जिसके बाहर प्रदर्शन नहीं किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने ही रेवरे खेल की बात करें, उनके तमाम मुलाजिम जो है बैठे हुए हैं, एक ऑर्डर को चलते बैठे थे, लेकिन वो ऑर्डर रविंद्र राणा ने कहा कि वो फेक है। लेकिन LG साहब ने एक एक ट्वीट किया अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, कहा कि ऐसा कोई भी हमने ऑर्डर नहीं निकाला है, नाम किसी को डिसंगेज जो है वो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग बैठे हुए हैं, टस से मस नहीं हो रहे, कह रहे रिटर्न में दीजिए तब उठेंगे, अब आश्वासन से हम नहीं उठने वाले। कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, जो लोग वहां पे बैठे हैं मैं उनको कहता हूं वहीं पे बैठे रहिए, क्योंकि बीजेपी, अब LG साहब को नहीं पता, ट्वीट कर देते हैं, LG साहब को कुछ पता नहीं होता, डिसएंगेज वो कर नहीं होते, वो पागल हैं। आज तो उनके बच्चे भी वहां पे साथ में बैठे हैं ना, और रविंद्र रैना जी बाहर निकलते हैं, चिंता नहीं करनी भाई, चिंता क्यों करनी है आपको? चिंता तो उनको करनी है जिनके बच्चों को खाने को रोटी नहीं मिलेगी, चिंता तो उनको करनी है जो 3,000 रुपये नौकरी कर रहे हैं, चिंता उनको करनी है, आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास सरकारी बंगला, सरकारी पैसा, सरकारी सिक्योरिटी, जहाँ पे जाओ सब कुछ सरकारी, आपको तो चिंता नहीं करनी है, लेकिन उनको तो चिंता करनी है ना। और सबसे बड़ी बात, LG साहब और इनके बीच में कोई तालमेल ही नहीं है, वो डिसएंगेज करते हैं, ये कहते हैं मैं एंगेज कर दूंगा, मतलब कि लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से कहना चाहता हूँ, कृपया करके इस बार जब वोट डालने जाए ना, तो हिंदू मुस्लिम ना देखें, कश्मीर जम्मू ना देखें, सिर्फ ये देखें कि कौन सा इंसान, अच्छा इंसान, पार्टी ऐसी है, दमदार नेता, उनको वोट डाले जो कल को आपके हक इंसाफ के लिए लड़ सके। पार्टी का झंडा डंडा गलत नहीं होता, ये सिर्फ बीजेपी बता देती है कि कांग्रेस गलत होगी, NC गलत होगी, लेकिन कोई गलत नहीं होता अगर जनता को काम लेना आता हो। हम लोग इनके बहकावे में 2014 में आए, 2014 के बाद आज 8 साल हो चुके हैं। जम्मू वाले कहाँ पे हैं? सिर्फ धरनों पे हैं। NHM वाले कहाँ पे? धरनों पे हैं। PDD, PHE, PWD सब धरने पे हैं, धरने ही धरने चल रहे हैं। और रविंद्र रैना जी कहते हैं 50+, किस मुंह से कहते हैं 50+, किस मुंह से कहते हैं? वो तो कहते हैं विपक्ष बचा ही नहीं, विपक्ष नहीं बचा, उनके पास EVM बची हुई है, विपक्ष तो जिंदा है लेकिन उनके पास EVM है, मेरे ख्याल से उसमें फिक्सिंग होती है। उनको बता दिया गया कि रविंद्र रैना जी 50 का नारा शुरू कर दो, हमने सेटिंग कर ली है, EVM ये सब कुछ कर सकती है। लेकिन जनता के हालात सुनकर, देखकर आपको लगता है बीजेपी 50 सीटें निकालेगी? नहीं लगता है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं 50+, किस मुंह से 50+? ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। और मैं जम्मू कश्मीर की जनता को कहना चाहता हूँ, ये सबसे शाही स्टेट थी, रॉयल स्टेट थी, डोगरा स्टेट थी, इसके तो इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, लद्दाख को अलग कर दिया, और तो और छोड़ो UT बना दिया हमें, क्या इसलिए इनको वोट? EVM की बात करें, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहा है, कंट्रोल से काम कर रहा है। देखिए सरकार जिसकी हो तो सब कुछ, कहते हैं ना जिसकी लाठी भैंस उसी की। यानी कि 60 साल कांग्रेस ने राज किया, 70 साल देश के ऊपर, तो फिर EVM उन्हीं के कंट्रोल में रहा, इलेक्शन कमीशन उनके कंट्रोल में रहा। मैं बात बताता हूँ ना आपको, कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी, कांग्रेस को ये नहीं पता था राज ऐसे किया जाता है। कांग्रेस ने जिस तरीके से कर दिया भूल हो गई, अब कांग्रेस रात को धरती चूमती है परमात्मा की एक बार हमें मौका मिल जाए। उनके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि 30-31 साल का रिश्ता था, पार्टी परिवारवाद में चलते हमें रास्ते से छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं है। देखिए पार्टी बहुत बड़ी है, ये बीजेपी का जो सपना है कांग्रेस मुक्त भारत वो हो नहीं सकता। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, जिस नेता ने छोड़ी उसने निर्दलीय फॉर्म भरा था और उसको समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट कर दी, और वो इंडिपेंडेंट, उन्होंने पहले भी एक बयान में कहा था कि मैं इंडिपेंडेंट इस बार फॉर्म भरूंगा राज्यसभा का, ठीक है उनको किसी ने सपोर्ट कर दी, बाकी बड़े आते हैं बड़े जाते हैं, किसी टाइम बीजेपी भी इसी कगार पे आई थी लेकिन बीजेपी उसके बाद उभरी। ये नहीं है कि आप किसी को दबाओगे तो वो दबता चला जाएगा, वो उभरेगा और निखर के सामने आएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाती है, राजस्थान की बात करें वहां पर कांग्रेस की सरकार है, कई और जगह है जहां पर कांग्रेस सरकार बनाई है, वहां पर EVM सही रहती, बाकी यहां पर बीजेपी जीती वहां खराब होती है, ये कैसे, इसको कैसे जस्टिफाई करें? इसको मैं इस तरीके से जस्टिफाई करूंगा, मेरी बात सुनिए, जहां पर कांग्रेस की सरकार होती है ना तो वहां पर कांग्रेस का अपना भी एक अफसरशाही होती है, सब कुछ अपने हक में होता है। जब वहाँ पे बनाती है आप किसी, मतलब अपने विपक्ष के पास कुछ छोड़ोगे नहीं तो फिर तो आप पे पक्का स्टैंप लग जाएगा ना कि आप घपला करते हो, कहीं पे तो उनको पता है ना चलना पड़ेगा। आज आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो, जम्मू कश्मीर में ये 50 सीटें नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, मेरे से आप लिखवा कर ले लीजिए, ये सिर्फ एक माहौल बनाते हैं और माहौल के हिसाब से चलते हैं कि शायद ये भी इलेक्शन होगी भी कि नहीं होगी। हाँ इलेक्शन होगी नहीं होगी अभी मेरे ख्याल से फिलहाल तो नहीं होगी, फिलहाल ऐसे भी तो भारतीय जनता पार्टी का दिन ही जम्मू कंट्रोल तो नहीं कहा, वो तो मुझे पता है, मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि LG हमारे नहीं है, इनको ये भी पता होना चाहिए यही LG साहब थे जो वहाँ पे अड़ गए थे UP में CM के लिए और इनको उठा के यहाँ पे पोस्ट देनी पड़ी। ये कहते हैं LG हमारी पार्टी से नहीं है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से नहीं है, ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और इनका आपस में तालमेल नहीं है, जनता रगड़े खा रही है। और जनता को छोड़िए, आज वो 10-12 साल के बच्चे बीजेपी के ऑफिस के बाहर बैठ गए हैं, इससे बुरी हालत क्या होगी? NHM वाले बाहर बैठे हैं, PWD वाले, PDD वाले सभी बाहर बैठे हैं, ये दे क्यों नहीं रही है उनको हक? गाने तो इन्होंने गाए थे ना,
इन्होंने कहा था ना जब हम आएंगे सब कुछ सही हो जाएगा, बाकी सब चोर थे। मैंने मान लिया एनसी पीडीपी कांग्रेस चोर थी, मैं मान रहा हूँ वो चोर थे, आप सही थे तो आपने क्यों नहीं दिया? अभी हम है नहीं सरकार, इलेक्शन के बाद जिताओगे फिर करें। तो वो मेरी बात सुनिए, वो तो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना मुझे, जिताओ एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। उनको पता है हम सरकार में नहीं आएंगे, ये लॉलीपॉप बचा के रखते हैं, जनता हमें अगर जिताएगी तो हम इनका काम करेंगे, इस चक्कर में शायद हमको जनता जिता दे। जम्मू में कुछ ओरिजिनल पार्टीज भी हैं और कुछ अभी हाल ही में आई हैं, उनका एक मांग है स्टेटहुड, जम्मू को अलग स्टेटहुड दी जाए, इस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, जो कहते हैं जम्मू को अलग स्टेटहुड दी जाए, मेरे ख्याल से वो डोगरा ही नहीं है। हम गाने गाते हैं महाराजा हरि सिंह के, जनरल जोरावर सिंह जी के, गिलगित बल्तिस्तान तक हमने फतेह की, गुलाब सिंह जी, तो हमने इतनी बड़ी स्टेट बनाई। आज डोगरा डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि कश्मीर हमसे कंट्रोल में नहीं होगा, इसलिए हमें इतनी दे दो। वो कल को मैं कह रहा हूँ किश्तवाड़ जो चिनाब वैली है वहाँ पे भी मुस्लिम बैल ज़्यादा है, तो कल को तो आप ये भी कह दो कि चिनाब वैली को भी अलग कर दो, क्यों हमको ये स्टेट दे दो जो चिनाब वैली से नीचे नीचे है? ये कोई रीज़न नहीं है। आपको अपनी ताकत पे, अपनी काबिलियत पे शक होगा तो आप कह रहे हो, बट ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि ये बातें ना करें जो नेता ये बातें करते हैं कि स्टेट हमें अलग बना। मैं चाहता हूँ लेह लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर इन सबको मिला के जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी उसको वापस स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, और हमारे में काबिलियत होगी तो हम पूरी स्टेट पे अपने लोकतांत्रिक तरीके से उसको चलाएंगे। काबिलियत नहीं होगी तो ही हम कहते हैं कि हमको अलग, कश्मीरी क्यों नहीं कहते कि जम्मू को अलग करो? क्योंकि उनको पता है हमारा वोट बैंक है, हम जीत सकते हैं। हमारे डोगरा लीडर कहते हैं कश्मीर को अलग कर दो, क्योंकि इनको पता है हम कश्मीरियों का दिल नहीं जीत सकते, फर्क बस इतना है, कश्मीरी इनको मानते नहीं। विकल्प कहाँ है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो युवाओं को सड़कों पर ले आई है, कांग्रेस जो है विकल्प दिया, लेकिन लोग जो है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को इतने साल दिए थे तो क्या हो गया? दो आप जब डेवलप करना है तो कुछ ना कुछ तो खर्चे भी बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि ये ऑन ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। कुछ लोग आज भी जो है वो आंखें बंद कर ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो क्या हो गया, पहले भी तो थी, कांग्रेस के टाइम में भी थी महंगाई, उस समय इनकम इतनी थी, आज इनकम भी तो बढ़ी है साथ साथ में हमारी। नहीं मेरी बात सुनिए ना, जो कांग्रेस के टाइम पे महंगाई होती थी तो बीजेपी वाले ये प्याज की माला पहन के स्मृति ईरानी सिलेंडर उठा के क्या किसको दिखाने के लिए बाहर निकलते थे? तब तो इनको लगता था कि मर ही जाएंगे, आज महंगाई कम नहीं मर ही जाएंगे। तो आज महंगाई हो रही है तो आज आज नहीं बोल सकते, मतलब कि कांग्रेस के राज में आप बोल सकते हो, बीजेपी के राज में नहीं बोलना है, इनका ये कहने का मतलब है। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो क्या करते हैं? गाड़ियां जला देते हैं, सब कुछ जला देते हैं, क्या नहीं करते? और जब हम बारी आ जाती है इनके राज में कोई अपोजिशन करे तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के पास विकल्प क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनका विकल्प आम आदमी पार्टी लोग देख रहे हैं, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी उसकी बीडीम है, तो फिर विकल्प कहाँ, फिर किस कहाँ जाएंगे? आप कहना चाहते हो जम्मू कश्मीर के लोगों को आम आदमी पार्टी कोई विकल्प नहीं है, फिर कौन सी पार्टी? वोट खराब करना, अब आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, बाकी आम आदमी पार्टी इज नॉट ए विकल्प। फिर आपके हिसाब से कांग्रेस नहीं है, ऑप्शन नहीं है कांग्रेस? तो पुरानी पार्टियां उनमें से अच्छे लीडरों को अपनाइए, क्योंकि इनको सिर्फ वहम हो गया, हर बंदा एमएलए बनने के लिए जा रहा है। और आप देखिए आम नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें दो ही नेता दिखाई देते हैं सिर्फ, कांग्रेस की बात करें जम्मू से एक ही नेता दिखाई देता है, आप और चेहरे नहीं है वहां पे, किसकी तरफ जाएंगे? बड़ी जल्दी बड़े अच्छे सर, 90 सीटें हैं, 90 चेहरे चाहिए कांग्रेस के अंदर, 90 चेहरे हैं क्या जम्मू की अगर बात करें, कश्मीर की बात करें, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का 90 चेहरे हैं जिसमें जनता विश्वास करेगी? वहां से निकल के लोग अपनी पार्टी चले गए, आम आदमी पार्टी चले गए। आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी तो मैं कांग्रेस का तो प्रवक्ता हूं नहीं, ना ही कांग्रेस का कोई लीडर हूं, लेकिन बहुत जल्द ही आपको अच्छा मैसेज आएगा हमारी तरफ से। और मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि वक्त वक्त की बात होती है, और आने वाला वक्त आपको काफ़ी सही लगेगा, अच्छे लोग आएंगे पार्टियों में, अच्छे लोग जुड़ेंगे जो इनको टैकल कर सकेंगे। अभी एक चीज़ मुझे लीडरशिप क्वालिटी का लगता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी तो मैं कांग्रेस में हूं नहीं, ना ही एनसी में, ये इम्प्रूव करें। अगर इम्प्रूव करके जब इनको खोलने वाले आ गए, जब इनका जो जो भी इन्होंने अपना एक वो बना के रखा हुआ है, एक लोगों के ऊपर वहम बना के आ गया, उस वहम को उठाने वाले अच्छे प्रवक्ता, अच्छे लोग जुड़ गए इनके साथ, तो ये एक्सपोज होंगे। आखिर सवाल आपसे पूछूंगा मैं, सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, सोशल वर्कर्स की बात करें, काफ़ी लोग जो है वो पार्टियों में चले गए हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, आपके ऊपर भी लगातार लोग टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि सतवीर सिंह मनास जो है वो भी कभी ना कभी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में जा सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं, कैसे देखते हैं? और आप किस पार्टी के दाम, क्योंकि इलेक्शन अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे डेफिनेटली किसी ना किसी पार्टी में जाएं, तो ज़्यादा पावर जब आएगी तो लोगों के पास एम्पावरमेंट कर सकते हैं, लोगों को आप पावर कर सकते हैं।
आप किस पार्टी का दामन थामने वाले हैं, क्योंकि बड़े सारे सोशल एक्टिविस्ट हाल ही में जो है कई पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। सतपीर सिंह बनास कहाँ जा रहे हैं? इतनी बात कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी तो मेरे लिए कोई ऑप्शन होगा नहीं, बाकी जो पार्टियां बची उनका मैं सोच सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूँ, जम्मू के लोगों से खासतौर पर अपनी पार्टी और आम आदमी पार्टी को वोट देके अपना वोट बेकार मत कीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपोजिशन को कमजोर करने के लिए यहाँ पे आई है। इसका कुछ तो बनेगा नहीं, लेकिन ये किसी का भी कुछ बनेगा। इशारों में आप कांग्रेस की तरफ ज्यादा जो है वो अपना झुकाव नहीं, मेरा प्यार तो उन्हीं से ही होगा, मेरा प्यार तो उन्हीं से होगा जो बता दीजिए, एक्सक्लूसिव रह जाएगा हमारे लिए भी कि आप ज्वाइन कर। एक्सक्लूसिव तो आपको एक खबर मिल गई, मेरा प्यार उन्हीं से होगा जो बीजेपी के अपोजिशन में है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी के खिलाफ जरूर हूँ, मैं देश के खिलाफ नहीं हूँ। बीजेपी के खिलाफ तो पीएजीडी भी है, अब पीएजीडी भी है, प्यार उनके साथ, प्यार उनके साथ भी हो सकता है। वो अक्सर प्यार पाकिस्तान के खिलाफ प्यार दिखाते हैं। नहीं, मेरे को पाकिस्तान के साथ प्यार नहीं है, मेरे को प्यार सिर्फ जो है वो अपने देश के साथ है, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ हूँ। नारे लगे खालिस्तान के, मेरा दिल चढ़ गया। माता काली माता के मंदिर पे जो अटैक हुआ, हिमाचल पे नारे लगे, मैं नहीं चाहता मेरे जम्मू कश्मीर में भी वो हिसाब हो। सो दैट्स वाई मैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। बाकी दूसरी पार्टी है वो मेरे पास ऑप्शन है, वो मैं कभी भी करूंगा, सबको बता के करूंगा, छुपा के नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी बात है, मुझे एमएलए बनने के लिए किसी पार्टी में नहीं जाना है। ये जो जा रहे हैं ना, सभी को यही लग रहा है मोबाइल रिचार्ज वाला जीत गया तो हम क्यों नहीं जीत सकते। सबसे बड़ा असर इन पर 92 सीटों का नहीं हुआ कि 92 सीट्स जो है आम आदमी पार्टी जीत गई। इनको ये असर हो गया, भाई मोबाइल वाला जीत गया, मैं क्यों पीछे रह गया। मोबाइल वाला जीत सकता आम आदमी पार्टी में तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। ये सब इसलिए जा रहे हैं, वहाँ पर सभी एमएलए के लिए जा रहे हैं, कोई भी वर्कर के लिए नहीं जा रहा, कोई भी जम्मू कश्मीर के लिए नहीं जा रहा। और स्टेट हमारी, पानी हमारा, रिसोर्सेज हमारे, बिजली हमारी, हमारे में क्षमता होगी तो हम लोगों को 200-300 यूनिट सब्सिडी देंगे, बीज आम आदमी पार्टी की तरह फ्री 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 नहीं करेंगे। क्योंकि लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोग इतने शाही हैं कि वो जो बिल आता था ना पहले 500-700 रुपया वो दे सकते हैं, इसलिए उनको ये लालच ना दें फ्री फ्री फ्री। हाँ, सब्सिडी की बात मैं ज़रूर करूँगा, हमेशा करूँगा। और अगर मैं किसी पार्टी में हुआ, अच्छी पार्टी में हुआ, अच्छी अपोजिशन में हुआ, तो फ्री का काम तो नहीं चलेगा, लेकिन सब्सिडी जम्मू कश्मीर के लोगों को 200-300 यूनिट दिला के रहेंगे, मुफ्त कोरी वाली आदत डालेंगे, क्योंकि हम शाही लोग रहे हैं, हम डोगरा कश्मीरी लोग शाही लोग हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ने कश्मीर में कहाँ से वोट लेने, 370-35 A पे बटन इन्होंने दबाया था और कश्मीरी जाग चुका है। बस मैं चाहता हूँ इस बार डोगरा भी जाग जाए, डोगरा भी जाग जाए। डोगरों से हाथ जोड़ के विनती, जम्मू वालों प्लीज़ जाग जाओ। इस बीजेपी से छुटकारा पाना है तो आम आदमी पार्टी, अपनी पार्टी से भी छुटकारा पाना है। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। चलिए, और अब वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी जीती है, लेकिन सतबीर सिंह बनास की बात करें तो साफ तौर पर, क्योंकि अक्सर ही भारतीय जनता पार्टी बड़े हाथों लेते हैं, एक बार फिर से लिया और साफ तौर पर बड़ी बात कही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो है वो बी टीम है। अक्सर अपनी पार्टी के बारे में सुना होगा, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बी टीम है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि बी टीम है। और साफ तौर पे कहा गया है कि मुफ्तखोरी की आदत नहीं डालेंगे जम्मू कश्मीर को, जिस भी पार्टी में जाएंगे सब्सिडी की बाजूर कहेंगे। जम्मू कश्मीर का हर एक बच्चा बच्चा और आवाम जो है इतनी सक्षम तो दूर है कि वो 400-500 रुपया बिल जो पहले आता था वो दे सकती है, वो सक्षम बनाएंगे और सब्सिडी की बाजूर करेंगे, लेकिन मुफ्तखोरी की बात जो है हम ना करेंगे, ना हम इस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर होने देंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बीटी में? कमेंट बॉक्स खुला है, उसे भर दीजिएगा अपने कमेंट्स के साथ। बाकी तो अपडेट्स के लिए बने रहे बहु एक्सप्रेस पर, इधर उरा के साथ शुभ लगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।